हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट दिन देख लेते हैं जो आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लुईस बेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, लुईस बेल क्या होता है कि जो लोग की आंखें नहीं होती तो उनकी एक लिपि होती है जिसको लुईस बेल कहा जाता है, और ये आपका दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। क्या 4 जनवरी को? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो राष्ट्रीय, जब आप ध्यान लिख देंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो होता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को। और किस अनुच्छेद में है? तो 343 अनुच्छेद में आपको विश्व हिंदी दिवस देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 351 अगर आप देखोगे तो उसमें कहा गया है कि हिंदी को जो है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फैलाना है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। आप ऐसे याद रख लो, जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो केवल 4 दिन की जिंदगी उसकी बचती है, और फरवरी, और बस फटाफट उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। ऐसे करके याद कर लेना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। और आपको पता है कि डॉक्टर सी वी रमन को जो है पुरस्कार दिया गया था नोबेल 1930 में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च। और ऐसे याद कर लीजिए कि वन जीव, जो जीव होते हैं वो तीनों टाइम खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, नहीं तो वो मार्च निकालेंगे, विद्रोह कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, कितने? 24 मार्च को। ऐसे याद रखना, 24 घंटे अगर टीबी देखोगे तो टीबी हो जाएगी आपको। ठीक है, 24 घंटे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च को। 23 मार्च, और सन पूछे तो 1931 को दी गई थी, भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को। तो ये कुछ छोटा सा एक टॉपिक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।